मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में इंडियन पंचायत फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रशिक्षित ग्राम पंचायत सदस्यों की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में ग्राम पंचायतों से संबंधित उनके अधिकारों और उनके कार्य क्षेत्र अधिकारियों के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें सैकड़ों ग्राम पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया। इंडियन पंचायत फाउंडेशन के संस्थापक ने बताया कि अभी तक ये संवाद वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आज उन सभी सदस्यों को बुलाया गया है जिन्हें वर्चुअल माध्यम से उनके अधिकारों के बारे में बताया था। अब सभी सदस्यों को पंचायतों के संस्थागत विकास और गांव की समृद्धि में सदस्यों की भूमिका के विषय पर चर्चा की गई। एक दिवसीय कार्यशाला में सैकड़ों ग्राम पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने अधिकारों के साथ साथ गांव के विकास के लिए मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। वास्तव में ये जो कार्यशाला है, ये ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उन ग्राम पंचायत सदस्यों की कार्यशाला है। पंचायती राज व्यवस्था में तीन लेवल की पंचायतें हैं। एक तो गांव पंचायत है, दूसरी ब्लॉक पंचायत, तीसरी जिला पंचायत। पंचायत जो होती है वो अपने सदस्यों से बनती है। पंचायत में सदस्य चुने जाते हैं और जैसे आपने ब्लॉक और जिले में देखा है कि पहले सदस्य चुना जाता है, वही अपना अध्यक्ष चुनता है, तो मुख्य सदस्य होता है। गाँव के स्तर पर ये सही है कि प्रधान अलग से चुना जाता है, लेकिन पूरी पंचायत जो बनती है वो सदस्यों से बनती है। और सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की स्थिति बड़ी कमज़ोर है उत्तर प्रदेश में, हम सब जानते हैं। यहाँ पर 7.5 लाख सदस्य हैं पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत में। 7.5 लाख सदस्यों में ज़्यादातर निर्विरोध चुन करके आते हैं। सिर्फ 19% ऐसे हैं जो 18% जो चुनाव लड़ करके आए, आप सोच सकते हैं। अर्थात लगभग 1.5 लाख लोग चुनाव लड़ करके आए, बाकी 5.5 जिसको कह लीजिए 6.5 लाख लोग हैं वो निर्विरोध चुन करके।